उत्तराखंड के तमाम जिलों में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कहीं गाढ़ और गधेरे उफान पर हैं। बता दें कि देहरादून जिले में पिछले कई घंटों से बारिश देखने को मिल रही है और उसके बाद से देहरादून के कई इलाकों में आपदा के हालात जैसे नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार बारिश के चलते चक्राता के सिलिखट कुनैन में आपदा की भेंट एक स्कूल चढ़ गया। बता दें कि देहरादून पथ के तहसील चक्राता के अंतर्गत सिलिखट कुनैन मोटर मार्ग ग्रस्त हुआ है और क्षतिग्रस्त होने के चलते और यहां पर राजकीय इंटर कॉलेज मलबे की चपेट में आ चुका है। बता दें कि मौसम विभाग के जरिए पहले ही 9 जुलाई को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था, जहां देहरादून में कहीं कहीं गर्जना पूर्वानुमान के साथ ही आकाश बिजली चमकने और अति तीव्र से अत्यंत तीव्र वर्षा और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल जनपद के समस्त इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हुई है, जिससे कि भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई। हालांकि गनीमत रही कि जिस दौरान बारिश हुई और दौरान ये स्कूल मलबे की भेंट में चढ़ गया, उस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। फिलहाल आपको बता दें कि हालातों को देखते हुए उत्तराखंड के तमाम जिलों में स्कूलों को बंद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।